वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मीना महेश्वरी। फेस को वॉश करने के बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ टोनर, रोज हिप गुड वाइब्स वालों का टोनर लगा रही हूँ। उसे लगाने के बाद कुछ सेकंड आप छोड़ दें, उसके बाद मैं लगा रही हूँ फेशियल ऑयल, वो भी रोज हिप गुड वाइब्स वालों का है। फेशियल ऑयल आपकी स्किन को अच्छे से प्रेप कर देता है। अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लें, फिर आपका फाउंडेशन 100 रुपए वाला क्यों ना हो, लेकिन आपको वो रिजल्ट इतना अच्छा देगा। उसके बाद लगा दूंगी मॉइस्चराइजर। प्रोडक्ट मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि कम प्राइस वाले प्रोडक्ट भी आपकी स्किन पर एक अच्छा नेचुरल ग्लो दे सकते हैं, लेकिन उसे आपको अच्छे से यूज करना आना चाहिए। अपने लिप्स को कर लिया मैंने लिप ग्लॉस। लगा रही हूँ कंसीलर ऑरेंज कलर का, ओनली बिकॉज डार्क सर्कल है। एक हम डेली मेकअप करते हैं लाइक हम जस्ट फाउंडेशन लगा लेते हैं और हमारा मेकअप डन, लेकिन अगर आपको फेयर दिखना है तो आप हमेशा ऑरेंज कलर का कंसीलर यूज करें। इससे क्या होता है कि जो आपकी स्किन का कलर है ना, वो कैंसल आउट करके उसके ऊपर लाइट शेड का भी आप फाउंडेशन लगाएंगे ना, तो आपके फाउंडेशन का कलर आपकी स्किन पे परफेक्टली दिखेगा। सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको कहूं कि आपकी जो स्किन का कलर है उससे 2 शेड डालकर आप कंसीलर लगाएं और 1 शेड आप लाइट इसे फाउंडेशन लगाएं। ये हैक बिल्कुल काम का है, आप जरूर ट्राई करना और अपना फीडबैक नीचे आकर कमेंट में मेरे साथ जरूर शेयर करना। वीडियो अगर अब तक पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं लगा रही हूँ लाइट कलर का कंसीलर क्योंकि पहले मैं अपनी आई मेकअप स्टार्ट करूंगी। दिवाली की सफाई कर करके हमारी स्किन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हमारी स्किन पर छोटे छोटे पिंपल्स हो चुके हैं। आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है क्या? अगर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में अपना रिव्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई भी कंपनी का आप प्रोडक्ट ले लें, लेकिन आप उसे जब तक अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। बस आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लूज पाउडर। अब मैं फिल कर लूँगी अपने आईब्रोज। आईब्रोज फिल करने से पहले आप कॉम ज़रूर करें ताकि जो भी फाउंडेशन कंसीलर लूज पाउडर हमने लगाया है वो अच्छे से पहले रिमूव हो जाए। उसके बाद ब्लू हेवन की जो ये पेंसिल है, इससे सच में यार एक नेचुरल लुक आता है आईब्रोज का, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने ये ब्राउन कलर की शेड की पेंसिल लिए, पहले पीछे के आईब्रोज को सेट करना और फिर धीरे 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 आगे बढ़े। जब आपके आईब्रोज अच्छे से सेट हो जाए तो एक बार और कॉम कर लीजिएगा। सेम उसी तरह से आप अपना दूसरा आईब्रोज भी कर लीजिए। आप देख सकते हैं कितना नेचुरल आईब्रोज लग रहे हैं मेरे। उसके बाद एक आई शेडो पैलेट में से मैं वाइन कलर का शेड लेकर अपने आउटर कॉर्नर पर एक वी ड्रॉ कर लूंगी और आईज के इनर कॉर्नर पे भी, मींस जो बीच का आईज का हिस्सा है वो मैंने छोड़ दिया है। मींस आईज के इनर और आउटर कॉर्नर दोनों को मैंने वाइन कलर से फिलअप कर दिया है और जो बीच का आईज का हिस्सा है उसे मैंने फिलहाल छोड़ दिया है। अब उसी पैलेट से एक शिमरी शेड, वो भी वाइन कलर का है, उसे मैं पहले अपने फिंगर पर लेकर जो बीच का पार्ट हमने छोड़ा था उससे अच्छे से फैला देंगे कुछ इस तरह से। बहुत ही सुंदर आईज दिख रही है। ये आप किसी भी आउटफिट में इस तरह की आईज क्रिएट कर सकते हैं। सेम उसी तरह से अपनी दूसरी आईज को भी मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। उसके बाद ब्लैक कलर का आईलाइनर लेकर पतला सा अपनी आई पे लगाना है, ज़्यादा मोटा या विंग वगैरह नहीं बनानी है। नॉर्मल ही मैंने आईलाइनर जैसे हम लगाते हैं वैसे ही लगाया है मैंने। आप चाहें तो यहाँ पर विंग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी एक आईलाइनर कंप्लीट हो गई है, अब मैं सेकंड पे भी फटाफट से लगा लेती हूँ। पहले अपने फेस को थोड़ा सा कर लेते हैं फाउंडेशन। उसके लिए यहाँ पर मैंने डर्माकोल वालों का ये फाउंडेशन ले लिया है, थोड़ा सा ही अपने हाथ पे मैंने निकाल लिया है। उसमें मैं स्विस ब्यूटी वालों का जो हाइलाइटर प्राइमर है वो 1 पम्प जितना डाल दिया है क्योंकि इससे हमारी स्किन पे बहुत अच्छा सा ड्यूई सा मेकअप लुक आता है। अगर आप हाइलाइटर नहीं भी यूज़ कर रहे हो फिर भी आप फाउंडेशन को इस तरह से हाथ पर लेकर अच्छे से रब करें और बाद में अपने फेस पर अप्लाई करें। कुछ लोग डायरेक्ट फाउंडेशन अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, शायद पहले मैं भी ऐसे करती थी, लेकिन जब से मैंने ये ट्राई किया है मीन्स अपने हाथ पर लेकर अच्छे से स्प्रेड करके अपने फेस पे लगाओ, उसका रिजल्ट और उसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
ट्राई कीजिएगा। एक ही ब्यूटी ब्लेंडर का मैंने यूज किया है। अब अच्छे से मैंने जो अपने आईज पे मेकअप लगाया था वो कहीं बाहर ना निकल गया हो, मेरे फेस पे ना लग गया, उसे मैं अच्छे से पहले कवर अप कर लूंगी, उसके बाद मैं लगा दूंगी अगेन लूज पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर। पहले मैं भी इस तरह से मेकअप क्रिएट नहीं कर सकती थी कि पहले अपने आईज पे करो उसके बाद अपने फेस पे फाउंडेशन वगैरह, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो आप डेफिनेटली कर लेंगे। अपने फेस को कॉन्ट्रोल करने के लिए पफ को लेकर इस तरह से मोड़ लें और फिर अपने फेस को अच्छे से कॉन्ट्रोल कर सकते हैं। अब मैं लगा रही हूँ ब्लश। यहाँ पर मैं पीच कलर का ब्लश ले रही हूँ, स्माइल, और देन लगा लें आप अपने फेस पर। ब्लश अप्लाई करने के बाद जो आई शेडो हमने आईज की क्रीज पे अप्लाई किया था वही आई शेडो हम आईज के नीचे भी अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद मैंने मस्कारा नहीं अपनी आईज पे लगाया था, अब मैं लगा रही हूँ अपनी आईज पर मस्कारा। बहुत से लोग गलती कर देते हैं, अपने लोअर लेशेस पे मस्कारा नहीं लगाते हैं, तो प्लीज़ स्किप ना करें अपने लोअर लेशेस पे मस्कारा लगाना। अब लगा रही हूँ बेबी पिंक कलर का हाइलाइटर। बहुत ही नेचुरल मेकअप किया है, आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। हाइलाइटर लगाने के बाद हमेशा मैं अपने हाथ से अपने पूरे हाइलाइटर को ब्लश के अंदर ऐसे स्प्रेड कर देती हूँ ताकि एक अच्छा सा ड्यूई लुक दिखे। अब नंबर आता है लिपस्टिक का। यहाँ पर मैं वाइन कलर की ही लिपस्टिक लगा रही हूँ क्योंकि मेरा जो आउटफिट है वो वाइन कलर का है, तो इतना ज़्यादा डार्क नहीं है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था मेरे इस मेकअप लुक के साथ ये लिपस्टिक कलर। टाइम टू ज्वेलरी, और मैंने अपने हेयर भी बना लिए हैं। हाँ, सेटिंग स्प्रे से अपने मेकअप को सेट करना तो भूल ही गई, तो वो अब मैं फाइनल सेट कर लूँगी। अब दिवाली मेकअप है, मीन्स इंडियन फेस्टिवल लुक है, तो बिंदी के बगैर तो अधूरा है, तो यहाँ पर मैं बिंदी ब्लैक कलर की लगा रही हूँ। दिस इज़ माई फाइनल लुक। आप लोगों को ये मेकअप लुक कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा, बुरा लगा, या क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई, प्लीज़ कुछ इस तरह का कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। मुझे तो ये मेकअप लुक पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। आप किसी भी आउटफिट के साथ इस तरह का मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं।